नमस्कार साथियों, हमारी सबसे पहली गुजारिश ये है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आज हम जो कविता आपके लिए लेकर आए हैं वो संबंधित है एक ऐसे कवि से जो बुज़ुर्ग हैं, कैद हैं और पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बहुत हलचल है। उनको रिहा करने की मांग की जा रही है सरकार से, उसके अपने अपने कारण हैं। ये कविता हम इसलिए भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये कविता बहुत ही शार्प तरीके से चिन्हित करती है कि एक अच्छी कविता, एक आइडियल कविता और एक इफेक्टिव कविता कैसी हो सकती है, कैसा होना चाहिए उसको, इस हवाले से भी बात करती है। इसलिए हम ये कविता आज खास तौर से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस कविता को लिखा है सीमा आजाद ने, आइए सुनते हैं। वो कविताओं में उतरकर क्रांति के बीज बोता है। वो कविता लिखता भर नहीं, उसे जीता भी है। कविता के स्वप्न को जमीन पर बोता भी है। वो सिर्फ कवि नहीं, क्रांतिकारी कवि है। कहते हैं कवि कैद हो सकता है, कविता आजाद होती है। कवि मर जाता है, कविता जिंदा रहती है और समय के दिल में धड़कती रहती है। लेकिन वो सिर्फ कवि नहीं है, कविता बन चुका है। कविता बन समय के दिल में धड़क रहा है। गौर से देखो, सत्ता के निशाने पर सिर्फ कवि नहीं, कविता भी है। जेल के भीतर ही कविता की हत्या की सुपारी दी जा चुकी है। समय का दिल खतरे में है। ऐसे समय से निकलने की राह उसने ही बताई है कि कविता को सिर्फ लिखो मत, उसे जियो भी। कविता के स्वप्न को जमीन पर बो भी। कविता में उतर क्रांति के बीज को बो भी। शुक्रिया।